नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में इस वक्त मौजूद हैं, सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, जिनको सम्मान किया जा रहा है वो हैं जितेंद्र चौधरी। आपको बता दें कि मधुबनी निवासी जितेंद्र चौधरी इस वक्त दरभंगा जिला में इंस्पेक्टर के पद पर हैं और पतोर थानाध्यक्ष के रूप में थे, पतोर ओपी थानाध्यक्ष थे। इस वक्त शशिनाथ झा जो यहाँ उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, ये हैं नीरज कुमार जो बहादुरपुर थाना के नए थाना अध्यक्ष बने हैं, जिनका सम्मान किया जा रहा है। आपको बता दें कि मिथिला पेंटिंग पाग चादर और माला के साथ स्वागत सम्मान किया जा रहा है। और नीरज कुमार, इसके बाद देख सकते हैं मोहसिन खान जो फेकला ओपी में थे, ये भी इंस्पेक्टर बन गए हैं, इनका भी सम्मान किया जा रहा है। विदाई समारोह है इनका, किया जा रहा है, सभी लोग खासकर मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि हायाघाट थाना अध्यक्ष को आप देख सकते हैं जो संजय सिंह हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि इनके जगह पर वहाँ सुनीता गुप्ता आई हुई हैं। इससे पहले भी हायाघाट क्षेत्र में सुनीता गुप्ता का अनुभव रहा है काफ़ी दिनों तक, तो वो अब थाना प्रभारी वहाँ बन गई हैं। अब इन्हें देख सकते हैं, ये अंशुमन हैं, अंशुमन सिंह जो हायाघाट थाना के थाना मैनेजर के रूप में हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनका भी सम्मान जो संस्था के लोग हैं उन्होंने किया है। आपको बता दें कि महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जिसका हॉस्पिटल बहेरी में है, जिसका नर्सिंग हरलपट्टी गांव दरभंगा लहरिया सराय हायाघाट क्षेत्र में है, अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में, ये बच्चे हैं जो खासकर एएनएम के, जीएनएम के या फिर नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें आप देख सकते हैं। उन सभी बच्चों को आए हुए जो अतिथि हैं, आए हुए जो पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने समझाया है, बताया है कि कैसे समाज में सेवा भाव रखना है। खासकर समाज का जो सेवा है वो पुलिस भी करता है, नर्सिंग भी या डॉक्टर भी करते हैं, तो कैसे जागरूक रहकर खासकर सही उपचार जो है सही समय पर लोगों को देना है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। अभी लड़के की तरह आप लोग इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, आकर के यहाँ कुछ करने के लिए आए हुए हैं। और कहते हैं कि ईश्वर के बाद डॉक्टर का स्थान होता है, और डॉक्टर बिना आपके सहयोग से नहीं चल सकते। 100% मानिए कि डॉक्टर आपके बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, अच्छे से अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, जो कि आपको यहाँ से जाने के बाद जहाँ भी जाएं अच्छा सेवा करें, अच्छा सेवा करने का आपका मौका मिले, अपना हुनर दिखाइए। रही बात पुलिस और डॉक्टर में, ज़्यादा अंतर नहीं है, हम सुरक्षा देते हैं और आप भी सुरक्षा देते हैं, आप जीवन रक्षक हैं और हम घटना होने से पहले उस घटना को रोकने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग ईश्वर के कृपा से, आशीर्वाद है हमारा, हम सब पुलिस परिवार की तरफ से आप लोगों का आशीर्वाद है कि अच्छे तरीके से काम करिए, अपना ट्रेनिंग को बहुत जितना भी हो एकदम गूढ़ में जाकर के सीखिए, जो आगे आपको दिक्कत ना हो। धन्यवाद। बताइए कि क्या कार्यक्रम था आपके संस्था में आज? राजस्थान में जो हमारे रेडियस एरिया में जितने भी पढ़ते हैं, हायाघाट, अशोक पेपर मिल, पतोरोपी, बहादुरपुर, इनके जितने भी थाना अध्यक्ष आपको जो प्रमोटेड हुए हैं इंस्पेक्टर रैंक में, और एक पुलिस डिपार्टमेंट का भी जो है हमारे समाज में कुरूति को दूर करने में बहुत बड़ा भूमिका है, और टाइम टू टाइम हमारे संस्था में जब भी फंक्शन होते हैं तो वो लोग आते भी रहे हैं। उसी के सम्मान में जो है सो हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे उनके सम्मान में। इससे मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, मतलब जो मैसेज क्या देते हैं बच्चों के बीच या समाज के बीच, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बच्चों के बीच, समाज के बीच यही है, जो कर्तव्य जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो एक सेवा भावना है वो एक पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, जितने भी सेवा सेक्टर है, हमारे स्वास्थ्य के भी जो है जितने नर्सेज हैं या डॉक्टर्स हैं, उसका भी कर्तव्य है जो मानव सेवा करे, और एक पुलिस डिपार्टमेंट भी मानव सेवा में लगे रहते हैं, अपने परिवार से दूर होकर के, अपने समाज से दूर होकर के, सभी पर्व त्यौहार को छोड़ करके हम लोगों को सुरक्षा देते हैं, जिससे कि किसी तरह का कुरूति ना हो। जहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट कानून व्यवस्था ना हो तो मनुष्य मनुष्य को खा जाएगा। तो मैसेज मेरा यही है, जो समाज में पुलिस डिपार्टमेंट को भी सभी मतलब सोसाइटी, गांव, पूरे राज्य के जितने भी जनता हैं वो आपको जो है सो उनको सहयोग करें कानून व्यवस्था को रक्षा करने में। क्या नाम हुआ? डॉक्टर शशिनाथ। सर ने बुलाया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पुलिस और जो नर्सिंग का जो भी है, डॉक्टर्स सभी जो भी है, सब लोग में सिमिलरिटी है मानव सेवा का, वो हम लोग कभी नहीं भूलें।
अभी आप लोग यहाँ से पास आउट होइएगा, किसी न किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कीजिएगा, हम लोग भी भेजेंगे गंभीर रूप से जख्मी उख्मी, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी वगैरह करने में लेट लगा दिए, पहले फर्स्ट उसको फर्स्ट एड दे दीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस कागज़ पत्र भरने के चक्कर में उसका कल्याण हो जाए, ये बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले उसको बचाने का प्रयास कीजिए, हम लोग तो करते ही हैं, लेकिन आपके स्तर से जो होना है वो आप ही के स्तर से होना है। ट्रीटमेंट फर्स्ट आप ही लोग कीजिएगा, डॉक्टर तो देख के चल जाएंगे, बाकी उसका जो पट्टी पढ़िए, अच्छा से ध्यान लीजिए कि सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जहाँ भी जरूरत हो हम लोग का मोबाइल नंबर हर एक जगह है, कभी भी याद कर सकते हैं विकट परिस्थिति में। हम लोग दूसरे को दुखी देख करके हम लोग जो है सहयोग के लिए उपलब्ध है। खुशी की बात है कि हमें बुलाया गया, सिखाने और सुनने के लिए कहना यह है कि आप लोग दिल लगाकर अपने कोर्स में मेहनत करें और हम अपने साथी से आपके उज्ज्वल भविष्य